बहुत सर्दी है। बात है इसको तो मैं सोच ही रहा हूँ तब से, इसको खाना कैसे है। आज लगेगा टेस्ट इस बर्गर का। यार थोड़ी सॉस भी लगाते हैं ये वाली। हुए 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 हुए, फुल लोडेड और हैवी बर्गर है यार। यहाँ पे बना रहे हैं हैवी बुल शवारमा इनका कहते हैं। मलाई बोटी स्टेक भी डलता है, सिंगर भी डलता है, चपली भी डलता है, और उसके अलावा जो श्रेडेड चिकन इनका होता है वो भी डलता है। तो बनाए जरा सॉसेस वगैरह लगा कर, चपली चपली भी लगा दिया इन्होंने। और ये इसके ऊपर आ गया जी श्रेडेड चिकन। क्या बात है, फुल जम्बो शवारमा है यार ये तो। क्या प्राइस है इसकी? 280 का। हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग आए हैं फैसलाबाद का गुलिस्तान कॉलोनी का ये एरिया, इसको बोलते हैं अकबर चौक। तो ये सारा अकबर चौक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड जो है ना, आपको हर तरह का फूड यहाँ से मिलता है। फास्ट फूड जो है ना स्पेशली, वो तो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अभी आज हम लोग आए हैं यहाँ पर, ये इस्लामी भाई चिकन शवारमा वाले हैं। तो ये एक बर्गर बना रहे हैं, बड़ा लोडेड किस्म का वो बर्गर है। उसके अंदर जिंगर भी है, पैटी उसकी भी आती है, उसमें कबाब वगैरह भी लगाते हैं, और काफ़ी मज़ेदार किस्म की जो सॉसेज हैं वो भी इसके अंदर जो ये ऐड करते हैं। तो अभी भाई से हम बर्गर भी इनका ट्राई करते हैं, और बाकी भी देखते हैं इनके पास क्या चीज़ें हैं। लेकिन बेसिकली मैं आज इनका वो बर्गर ही ट्राई करूँगा, और जो भी उसका टेस्ट वगैरह जैसा भी है फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। भाई जान बर्गर लगाएँ दो हमारे लिए ज़बरदस्त से, ठीक है? लोडेड बर्गर हैं जो आपके। ये जी भी बर्गर्स वगैरह इन्होंने निकाल कर तो रख दिए हैं, इसको गर्म कर रहे हैं इनको। अभी साथ के साथ जैसा जैसा इस पर जो जो प्रोसेस आना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर मेयो आ गई है, और इनकी जो मेयो स्पेशल बनाई हुई, कुछ स्पाइसी सॉस जो है इन्होंने वो भी लगाई है इसके ऊपर, और लेटस शेटस आ गई, कैबेज आ गई है इसके ऊपर। ये सिंपल इनकी सॉस है, केचप शेचप है। और ये कौन सी सॉस है? अच्छा, खुद से तैयार की हुई हैं सॉसेज ना इन्होंने ये सब। वैसे नॉर्मली इस तरह की सॉसेज को मैक्सिकन सॉस का ये कलर होता है अक्सर जगहों से, जहाँ से मैंने फूड ट्राई किया है फास्ट फूड वगैरह ना। अच्छा, बर्गर की हमारी जो पैटियाँ शैटियाँ हैं सिंगर की, वो भी आ गई हैं भाई निकाल लाए हैं गर्मा गर्म फुल बनाकर। तो अभी ये पैटी शैटी आ गई इसके ऊपर सिंगर की, काफ़ी गर्म है, लड़के से खुद भी नहीं पकड़ी जा रही ना। और इसके साथ जी इसके ऊपर ये क्या आएगा इसके ऊपर? ठीक है, स्टेक मलाई बोटी इन्होंने अलग से ये बना कर रखी हुई है पहले चिकन, ठीक है? तो ये भी इनके ऊपर आएंगी जी। क्या बात है। अच्छा ये जी अब इसके ऊपर सॉस ऐड कर रहे हैं, ये मिंट सॉस है जी इनकी, कोई स्पेशल इन्होंने बनाई हुई है पुदीने वगैरह की। तो मिंट सॉस आ गई, और इसके ऊपर इन्होंने लगा दिया जी चपली कबाब लगा दिए हैं, और ये रेडी है जी हमारा बर्गर। तो इस तरीके से ये सर्व करते हैं बॉक्सेस के अंदर लगा कर इसको। तो क्या बात है यार, बड़ा माशाल्लाह देखने में तो फुली थिक बर्गर लग रहा है, लोडेड है। अभी मैं इसका टेस्ट करता हूँ और फिर देखते हैं क्या सीन है। ये जी साथ जो आपको बॉक्स देते हैं इसके अंदर मेयो वगैरह भी डाल कर देते हैं, और आपको साथ इसके अलग से केचप वगैरह भी देते हैं, ठीक है? अगर फर्दर चाहिए वो भी ले सकते हैं। और ये जो साथ सॉसेज हैं इनकी, ये सॉसेज भी आपको साथ बॉक्स के अंदर ये देते हैं। अच्छा ये ना इसके साथ ही ना यहाँ पे बना रहे हैं हैवी बुल शवारमा इनका कहते हैं। तो भाई इसके अंदर क्या क्या लगाते हैं आप शवारमे के अंदर? मलाई बोटी स्टेक भी डलता है, सिंगर भी डलता है, चपली भी डलता है, और उसके अलावा जो श्रेडेड चिकन इनका होता है वो भी डलता है। तो बनाए जरा इसको, देखते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, सॉसेस वगैरह लगा कर चपली चपली भी लगा दिया इन्होंने, सॉसेस इन्होंने इसके अंदर भी जो है ना वो ही यूज़ की हैं। और ये इसके ऊपर आ गया जी श्रेडेड चिकन, और इसके ऊपर आ गई मेयो। क्या बात है, फुल जम्बो शवारमा है यार ये तो। क्या प्राइस है इसकी? 280 का। सही हो गया, ये 280 का शवारमा दे रहे हैं जी, फुल जम्बो साइज़ का इनका शवारमा है ये। हैप्पी बुल शवारमा इसको कहते हैं। करें इसको ज़रा रोल, किसी कस्टमर का है तो। मैंने तो अपने लिए बर्गर्स जो हैं वो लगवाए हैं, तो ये किसी कस्टमर के लिए इन्होंने तैयार किया है। अच्छा, उसको रोल भी उन्होंने ना उसी तरीके से किया है।
क्या बात है, ये इसको जी इन्होंने इसके अंदर रोल किया है, तो ये किसी कस्टमर का है। ठीक है, तो पैकिंग इसकी नॉर्मल शवारमे से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये देखें, काफ़ी लोडेड शवारमे है ये भी इनका। तो अभी दे देते हैं भाई को वापस, जिस कस्टमर का है लें जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मुजाज भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये जो सारा सेटअप है ना, ये इजाज भाई का सेटअप है। यहाँ पर ये चौक बनता है, अकबर चौक ये बनता है, और इजाज भाई यहाँ पर बहुत टाइम से, बहुत सालों से यहाँ पर जो है ना ये काम कर रहे हैं, और इनका एक नाम भी है और एक टेस्ट है इनका, जिसकी वजह से बेसिकली फेमस है। तो टेस्ट की ही सारी बुनियाद होती है कि जिसकी वजह से लोग इतनी दूर से भी आगे पास आते हैं खाना खाने या ट्राई करने, जब सब कुछ। तो फूड आइटम्स इन्होंने मल्टीपल अपनी लॉन्च की हैं यहाँ पर, मल्टीपल तरह के शवारमे और बर्गर्स वगैरह। तो इजाज भाई, आपको कितना अर्सा यहाँ पर हो गया काम करते हुए? 12-13 साल हो गए। तो ये जो वैसे अपने मल्टीपल किस्म की चीज़ें हैं, मतलब बर्गर्स के अंदर आपने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि ये लोडेड बर्गर है, ये लोडेड शवारमा है, तो ये मतलब कितना अर्सा हो गया इन चीज़ों को? तो 5-6 मंथ हो गए। लोगों के सूरत हाल देख भी, एक सिंगल शवारमा, चिकन शवारमा, तो लोग नया मांग रहे थे अपने, वो हमारे पास होम मेड थी, चपली बनाते और मलाई बोटी तो आम कोयलों पर चढ़ाई हुई। फिर ये जेन बन गया कि इसको इकट्ठा करके एक बर्गर बनाए, माशाल्लाह बड़ा चल रहा है, बड़ी माशाल्लाह इनकी सेल है इस बर्गर की भी, ये जो मैंने बर्गर बनवाया है, और इसके अलावा शवारमो की भी, जो इनके लोडेड शवारमे, मैंने आपको बुल शवारमा भी इनका दिखाया है। फुल शवारमा, फुल लेवल का बर्गर लगाते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम ये क्वालिटी वगैरह पे। सही है, तो मैं अभी टेस्ट भी करूँगा जो बर्गर आज इनसे हमने तैयार करवाया है, उसका भी हम टेस्ट करेंगे। एजाज भाई, मैं फिर लोगों को भी बताऊँगा क्या टेस्ट है एक्चुअल। सही बना, ठीक है। जो सॉसेस वगैरह इसमें कौन सी यूज करते हैं? इसमें सॉस अपनी बनाई हुई है, सॉसेज जो अपनी तैयार की, और अपने हमने एक टेस्ट दिया हुआ है, बात और टेस्ट की होनी चाहिए ना। सॉस जो बंदे, हर बंदे की अपनी अपनी रेसिपी, अपनी अपनी सॉस। सॉसेज का मैंने इनका सुना, कहते हैं कि जी इनकी सॉसेज जो है बड़ी मज़े की होती हैं, तो बर्गर में भी वो भी लगेंगी, वो भी हम ट्राई करेंगे। तो बर्गर ही आज इनका बेसिकली ट्राई करेंगे। तो याज भाई, मैं ज़रा आपका आज बर्गर ट्राई करता हूँ, तो फिर लोगों से हम शेयर भी करते हैं। बाकी जब भी आप अकबर चौक में आएँ, तो इजाज़ भाई की बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो इनकी शॉप है, बिल्कुल ये आपको पता है, फुल स्ट्रीट फूड स्टोर, पीछे अहमद किराना स्टोर है बैक के ऊपर, और फुल स्ट्रीट फूड वाइब है यहाँ पर। आप ओपन में बैठ के खाएं, दाएं बाएं खुला एरिया है, ठीक है, जब मर्जी आए ट्राई करें इनसे फूड, और इजाज भाई से लाजमी फूड ट्राई करें आप। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू इजाज भाई, बहुत शुक्रिया। लो जी, फूड हमारा रेडी हो गया और बर्गर्स जो हैं वो रेडी हो गए, हमारे सामने आ गए हैं। माशाल्लाह क्या बात है, इसको तो मैं सोच ही रहा हूँ तब से, इसको खाना कैसे है, इसका तो साइज ही बहुत बड़ा है। ओए होए होए, इसका पहले तो कुछ जुगाड़ करना पड़ना खाने का, तो ट्राई करते हैं। भैया एक टिशू देना यार, टिशू वगैरह भी दें, बहुत सर्दी है। क्या बात है, बर्गर का कोई सिस्टम लगाता हूँ मैं अब। भाई साहब बहुत ही लोडेड बर्गर तैयार किया है इन्होंने, ये देखें ज़रा। अच्छा यार, ये बर्गर इनका इतना माशाल्लाह सॉफ्ट है ना, ये चीज़ देख रहे हैं, ओए होए होए, तो मुझे लग रहा है फोम से भी नरम है। ओए आज लगेगा टेस्ट इस बर्गर का। बड़ा अच्छा टेस्ट है, क्रंच बहुत ज़्यादा है बर्गर का, क्रंच बहुत अच्छा है, और सॉसेज का टेस्ट बहुत वंडरफुल आ रहा है। अभी इसमें ना चपली कबाब नहीं मेरा आया है, ये अभी इधर से मैं बाइट एक लेता हूँ इसकी। बहुत कमाल टेस्ट है यार, चपली कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, और ना बर्गर के अंदर इन्होंने ना कोई सॉस ऐसी डाली हुई है, उसका ना थोड़ा थोड़ा सा मतलब जो टेस्ट आ रहा है ना, टच जो उसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है
वो आ रहा है अचार जैसा, थोड़ा थोड़ा सा जैसे अचारी चिकन नहीं होता उस तरह का टेस्ट आ रहा है, और बहुत कमाल टेस्ट है यार माशाल्लाह। अच्छा यार जो इन्होंने ये साथ सॉसेस दी हैं, मेवे शेवे दी है ना इनकी, ये सॉसेस ये मैं ट्राई करता हूँ। ये तो बिल्कुल अपोजिट साइड पे चलेंगे भाई साहब, चलो कर लेते हैं ट्राई इसको भी। क्या बात है भाई साहब, इतना जंबो बर्गर है ना, एक तो पहले सॉसेस से भरा हुआ है, टेस्ट नो डाउट बहुत ऑसम है यार, कमाल है। सॉसेस का टेस्ट बहुत मज़ेदार है, हर सॉस का डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। जो मैंने आपको बताया ना वो थोड़ा सा अचारी सा टच आ रहा है, और वो मिंट वाला टच आ रहा है, कमाल है, बहुत माशाल्लाह मज़ेदार है, आला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब, ठीक हैं? अच्छा आज हम आए जी इस्लाम भाई चिकन शवारमे वाले के पास, जिनका ये हैवी बुल बर्गर जो है वो आज हम टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट में कैसा है। इसमें ये डालते हैं जी कोई 1, 2, 3, 4, 5 किस्म की सॉसेस डालते हैं इसके अंदर, और जिंगर का पीस डालते हैं, ठीक है। और जिंगर का पीस डालने के बाद जो ग्रिल मलाई बोटी है वो डालते हैं, उसके बाद चपली कबाब डालते हैं, और सैलड वगैरह डाल के बंद रख के इसको तैयार करते हैं। तो इसका हम अब टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट में कैसा है। लुक वाइज तो बड़ा वीआईपी लग रहा है, तो अब टेस्ट करेंगे तो फिर ही बताएंगे कि टेस्ट में कैसा है, चेक करते हैं इसे। ओए हो, कैसे खाना है ये? मज़ेदार है। अब ये इधर थोड़ी सी मलाई बोटी आ गई है, इसके साथ हम टेस्ट करते हैं, या थोड़ी सॉस भी लगाते हैं ये वाली। हुए 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 हुए, फुल लोडेड और हैवी बर्गर है यार। यार फुल हैवी और लोडेड बर्गर है, कमाल का टेस्ट है यार इनका, ठीक है। तो अगर आपने भी ये बर्गर खाना है तो आपको आना होगा गुलिस्तान कॉलोनी में, ठीक है, अकबर चौक में। अकबर चौक जैसे ही आप यहाँ सामने सेंटर होंगे ना, बिल्कुल सामने स्टेट या आफिस साहब बैठे हुए हैं। तो ये बर्गर की जो प्राइस है ना वो है 500, ठीक है, लेकिन ये डिस्काउंट पर आपको मिलेगा 300 का। तो बड़ा कमाल का बर्गर है। तो हम आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Who they wanna be, I'm red up my, I be diddy popping now. Here for the week, I got the city popping now. We done heard it all, tell them they ain't saying nothing.